हनुमानगढ़ जिले के जंडावली गांव में आज शाम को चार लुटेरों ने मरुद्रा ग्रामीण बैंक में हथियारों की नोक पर लूट कर ली और फरार हो गए। बैंक प्रबंधक के अनुसार चार लुटेरे बैंक में घुसे और बैंक कर्मियों पर हथियार तान दिए और 8-10 ग्राहकों के साथ बैंक कर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया और करीब 12.5 लाख रुपये कैश लूट कर फरार हो गए। जाते समय लुटेरे बैंक में लगे CCTV कैमरों की DVR भी साथ ले गए। घटना के बाद किसी तरह बैंक कर्मियों ने सदर पुलिस को लूट की सूचना दी, जिसके बाद सदर पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक कर्मियों और ग्राहकों को कमरे से बाहर निकाला। ग्रामीणों के अनुसार चार लुटेरे एक स्विफ्ट कार में आए थे। घटना के बाद SP राशि डोगरा, ASP जस्साराम बोस सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। सदर थानाधिकारी लखवीर गिल के अनुसार पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की पड़ताल में लगी है और लुटेरों की धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई है। गौरतलब है कि आज जंडावली गांव में हुई लूट की तरह हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में दो जगह पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में ही बिल्कुल इस तरह की ही लूट हुई है और आज सहित तीनों घटनाओं में स्विफ्ट कार और चार लुटेरे ही शामिल रहे हैं। ऐसे में पुलिस का अनुमान है कि आज की लूट में शामिल लुटेरों ने ही पहले दो जगह इस तरह की वारदात की है और पुलिस इसमें पंजाब हरियाणा के लुटेरों द्वारा लूट की संभावना जता रही है। फिलहाल लुटेरे पुलिस पकड़ से दूर है और लुटेरों की धरपकड़ के लिए टीमें बनाकर उनकी तलाश की जा रही है।